तो दोस्तों YouTube का कहना है कि अगर आप अपने YouTube चैनल पर रेगुलर वीडियो बना रहे हो तो आपके चैनल की ग्रोथ धीरे धीरे होने लगती है। लेकिन यहाँ पर देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे नए यूट्यूबर हैं जो रेगुलर, आप लोग भी हैं जो रेगुलर आप वीडियो बना रहे हो लेकिन फिर भी आपकी वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहा है। और वीडियो पर व्यूज ना आने का एक सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों कि आप अपने वीडियो पर सही तरीके से अपने वीडियो में कीवर्ड्स नहीं लगाते हो, यानी कि टैग सही तरीके से नहीं लगाते हो। अब दोस्तों देखो, यहाँ पर टैग बहुत सारे होते हैं। कुछ टैग ऐसे होते हैं जो रैंक करते हैं और कुछ टैग ऐसे होते हैं जो रैंक नहीं करते हैं। तो आप लोग रिसर्च करते हो क्या, आप सच बताना, एकदम से दिल पे हाथ रख के बताना कि क्या वीडियो बनाने के बाद, वीडियो जब आप अपलोड कर देते हो तो अपलोड करने के बाद आप जब वीडियो के टैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन लगाते हो तो क्या आप रिसर्च करते हो कि कौन सा कीवर्ड रैंक कर रहा है और कौन सा कीवर्ड रैंक नहीं कर रहा है। 90% मैं आपको बता दूं ऐसे यूट्यूबर हैं जो कभी भी अपने वीडियो का रिसर्च ही नहीं करते कि कीवर्ड सही तरीके से लगाना कैसा है चाहिए। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ मेरी वीडियो पर। मेरी वीडियो पर देखो, 3 दिन पहले मैंने अपनी वीडियो अपलोड किया था, उस पर 30,000 व्यूज आए हैं। और उसका कीवर्ड देखिए, टैग देखिए, यहाँ पर आपको जितने भी टैग यहाँ पर आपको दिखेंगे सारे टैग्स पर नंबर हैं, यानी कि इस कीवर्ड से मेरी वीडियो चल रही है, इस कीवर्ड से मेरी वीडियो सर्च में जा रही है और ये नंबर बता रहे हैं कि आपकी वीडियो इस टाइम पर कितने नंबर पर चल रही है। जितने कीवर्ड्स लगे हुए हैं उतने नंबर यहां पर आपको दिख रहे हैं। और मैं आपको ये तो आपको मैं दिखा दिया, अब मैं आपको अपने YT स्टूडियो में इसी वीडियो का लेके चल के दिखाता हूं कि देखो इसी कीवर्ड से लोग सर्च कर रहे हैं, मैंने जो कीवर्ड्स लगाया हुआ है इसी कीवर्ड्स को लोग सर्च कर रहे हैं और मेरी वीडियो YouTube पर पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे, 10वें, 15वें नंबर पे आ रही है। हर एक कीवर्ड अपने लिए एक नंबर डिसाइड कर लिया है और उसी कीवर्ड से मेरी वीडियो चल रही है, इसीलिए मेरे वीडियो पर व्यूज आ रहे हैं। और आप जाकर देखिए कि क्या आपकी वीडियो के कीवर्ड में इस तरह से नंबर आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि आप यहां पर रिसर्च ही नहीं करते हो। तो व्यूज लाने का जो सबसे बढ़िया तरीका, बढ़िया कारगर है कि आप अपनी वीडियो में सही तरीके से अगर कीवर्ड्स लगाएंगे, सही तरीके से टैग्स लगाएंगे तो आपकी वीडियो 100% रैंक करेगी और लाइफ टाइम तक उस पर व्यूज आते रहेंगे। तो मैं आपको अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर लेकर चल के दिखाता हूं और उसमें यहां पर मैं आपको बता दूं ऐसी वीडियो आपको कभी पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगी। जितने अच्छे से मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करके समझा दूंगा ना, कोई भी इस तरह से आपको एक्सप्लेन करके नहीं समझाएगा। तो ध्यान से आप देखिए, वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। चलिए यहां पर मैं आपको वीडियो अपने मतलब लैपटॉप की स्क्रीन, कंप्यूटर की स्क्रीन पर ले चल के दिखाता हूं कि कैसे आपको अपने वीडियो में सही तरीके से कीवर्ड लगाना है। ध्यान से देखिएगा, जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं कोई भी यूट्यूबर किसी भी वीडियो में आपको अभी तक किसी ने भी नहीं बताया होगा। तो आपको सबसे पहले गूगल ओपन कर लेना है अपने मोबाइल में। गूगल ओपन करने के बाद में यहां पर आपको टाइप करना है कीवर्ड, ठीक है, कीवर्ड टूल डोमिनेटर, ठीक है, इस तरह से आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपके सामने सबसे पहला वाला ऑप्शन जो आएगा उसको आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से कीवर्ड टूल डोमिनेटर पेज का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा और इसके बाद स्क्रॉल करोगे नीचे तो आपके सामने यहाँ पर क्या दिखेगा, गूगल कीवर्ड टूल, ठीक है। इसके नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा अमेजोन कीवर्ड टूल और इसके बाद इसके नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा यूट्यूब कीवर्ड टूल। आप किसके लिए वीडियो बना रहे हो, किस चैनल के लिए वीडियो बना रहे हो, अपने यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो बना रहे हो तो आपको यूट्यूब कीवर्ड टूल ही सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर आपको एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, फाइंड द मोस्ट कीवर्ड ऑन यूट्यूब एंड क्विकली सॉर्ट बाय कीवर्ड स्कोर एंड टॉप 10। यहाँ पर आपको टॉप 10 कीवर्ड आपको मिलेगा, लेकिन कैसे फाइंड आउट करना है ये चीज आपको अच्छे तरीके से समझना है। एक बार आप समझ लेंगे, हर वीडियो में आप इसी तरह से कीजिएगा, आपके हर वीडियो पर बहुत ही अच्छे खासे व्यूज आएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सर्च फॉर यूट्यूब कीवर्ड पे आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे आप कीवर्ड पे इस पे क्लिक करोगे इस बटन पे, आपके सामने इस तरह से एक यूट्यूब कीवर्ड टूल डोमिनेटर पेज खुल जाएगा आपके सामने, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिखाया, देखिए, इंटर अ वीडियो टॉपिक चैनल और कीवर्ड देन क्लिक द रिसर्च बटन। यहाँ पर आप जैसे मान लीजिए जो भी वीडियो बना रहे हो उस वीडियो का यहाँ पर आपको टाइटल यहाँ पर लिखना है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, इंटर अ वीडियो टॉपिक, तो इसमें आप अपनी वीडियो का टाइटल लिख सकते हो या चैनल का नाम लिख सकते हो या कोई भी आप कीवर्ड यहाँ पर आप रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, ठीक है, या व्यूज कैसे बढ़ाएं, मैं आपके सामने करके दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर दिखा, देखिए, व्यूज कैसे बढ़ाएं, ठीक है, मैंने इसे मतलब टाइप कर दिया। अब यहाँ पर देखिए कंट्री यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या आपको करना है, सबसे पहले आपको अपने इंडिया को सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि आप इंडिया से हो, आप जिस भी कंट्री को हो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है।
अब सेलेक्ट करने के बाद लैंग्वेज में आपको इंग्लिश ही रहने देना है, क्योंकि हम लोग हिंदी में तो सर्च करते हैं व्यूज कैसे बढ़ाएं, लेकिन देखिए व्यूज कैसे बढ़ाएं इसको किस में लिखे हैं, इंग्लिश फॉर्म में लिखे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इंग्लिश पे ही क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, लोडिंग कीवर्ड रिजल्ट, और यहाँ पर आपको टॉप कीवर्ड के बारे में यहाँ पर आपको बताएगा। तो देखिए यहाँ पर कितना कीवर्ड निकल कर आपके सामने आता है, 306 कीवर्ड यहाँ पर आपके सामने आया हुआ है। अब 306 कीवर्ड आया है, लेकिन आपको चाहिए कितना, आपको कुछ कुछ कीवर्ड चाहिए जो आपकी वीडियो के लिए सही हो, जिससे कि आपकी वीडियो पर व्यूज आए। तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर में आते हैं, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको देखिए क्या लिखा है, सब टिक यहाँ पर लिखा गया है, और यहाँ पर टॉप 10 यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि टॉप 10 कीवर्ड यहाँ पर आपको मिले हुए हैं। लेकिन एक चरा एक चीज पे ध्यान दीजिए, देखिए जितने स्टार बने हुए ना, देखिए कुछ कुछ कीवर्ड पे स्टार बने हुए और बाद बाकी कीवर्ड पे स्टार बिल्कुल भी नहीं बने हुए। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि जिस कीवर्ड पे स्टार बने हुए हैं, ध्यान से सुनिएगा अभी आपको और आगे समझाने वाला हूँ, जिस कीवर्ड पे स्टार बने हुए हैं वो कीवर्ड क्या है, यूट्यूब पर अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो आपको सिंपल से क्या करना है, ये देखिए कीवर्ड जहाँ पे लिखा हुआ एक बॉक्स बना हुआ है, इस पर आपको सेलेक्ट करके एक बार इसे अनटिक कर देना है। तो देखिए जितने भी सारे कीवर्ड हैं वो अनटिक हो गए हैं। अब इसके बाद आपको जितने कीवर्ड पे स्टार बने हुए हैं वो प्लस, और इसके बाद यहाँ पर देखिए एक स्कोर दिया गया है, यहाँ पर 97.5, 90.03, 90.03, जितने वाले की स्टार पे नंबर्स ज़्यादा दिख रहे हैं उन सारे कीवर्ड्स को आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है, ध्यान से देखिएगा। तो आपको करना क्या है, इसको इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट करने के बाद में, ठीक है, इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में आपको करना क्या है, दूसरा स्टेप आपको करना क्या है, वो चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो जितना स्टार था वो मैंने सेलेक्ट कर लिया है, और इतने सारे जो हैं वो कम मतलब रैंक वाले हैं, अगर आप इन सारे कीवर्ड को लगाओगे तो इस पे व्यूज़ आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, कुछ ही व्यूज़ मिलेंगे, नंबर तो भले से ज़्यादा हैं लेकिन व्यूज़ आपको नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको टॉप 10 जितने भी स्टार मार्क्स वाले हैं आपको उन्हीं चीज़ों को आपको सेलेक्ट करना है। तो आपको सिंपल से करना क्या है, यहाँ पर देखिए डाउनलोड सेलेक्टेड कीवर्ड, अगर आप इस पर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर आपको साइन अप करने के लिए बोलेगा, तो आपको वो काम नहीं करना है। यहाँ पर आप सिंपल से आपको क्या करना है, आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कैसे स्क्रीनशॉट लेना है देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो आपको इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लेना है, और इसके बाद स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको सिंपल से क्या करना है, जो भी कीवर्ड का आपने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है उसको आपका जो है वही चुन चुन करके आपको अपने वीडियो के टैग्स में, यहाँ पर देखिए जैसे मैंने लगाया हुआ है उसी तरह से आपको अपने वीडियो के टैग्स में भी लगा देना है, और इसके बाद आपको अपने वीडियो को सेव कर देना है। तो देखा दोस्तों, इस तरह से अगर आप अपने वीडियो में कीवर्ड लगाओगे, यहाँ पर आपको टॉप 10 कीवर्ड्स मिल जाते हैं, ऐसे ही अपने वीडियो में कीवर्ड्स लगाइए, और अपने जब वीडियो को आप अपलोड करोगे तो इसके बाद देखो कि उस पर बहुत ही अच्छे खासे व्यूज आपको मिलेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप अच्छे तरीके से सीख चुके होंगे कि अपने वीडियो में सही तरीके से अपने वीडियो में जो टैग होता है उसमें कीवर्ड कैसे लगाना चाहिए या कैसे लगाया जाता है। अगर ये वीडियो से आपको कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।